यूरोप बुला रहा है, यूरोप इज कॉलिंग, शेंगन वीजा क्या है? व्हाट इज द शेंगन वीजा? यूरोप बेकन्स, द शेंगन वीजा एक्सप्लेन्ड। यूरोप जाना बहुत लोगों का सपना होता है। फॉर मैनी विजिटिंग यूरोप इज अ ड्रीम। ये कॉन्टिनेंट हिस्ट्री, आर्ट और अलग अलग कल्चर्स से भरा हुआ है। दिस कॉन्टिनेंट इज फिल्ड विद हिस्ट्री, आर्ट एंड डाइवर्स कल्चर्स। लेकिन अपना बैग्स पैक करने से पहले, बट बिफोर यू पैक योर बैग्स, आपको शेंगन वीजा के बारे में जानना जरूरी है। यू नीड टू नो अबाउट द शेंगन वीजा। ये वीजा आपके लिए 27 यूरोपियन कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस को अनलॉक करने का की है। दिस वीजा इज द की टू अनलॉकिंग एक्सपीरियंसेस इन 27 यूरोपियन कंट्रीज। ये ट्रैवल को आसान बनाता है, इट मेक्स ट्रैवल ईजियर, और आपको बिना बॉर्डर चेक्स के पूरे शेंगन एरिया में फ्रीली घूमने देता है, एंड अलाउज यू टू रोम फ्रीली अक्रॉस द शेंगन एरिया विदाउट बॉर्डर चेक्स। आप एक एक्सप्लोरर हो या फर्स्ट टाइम विजिटर, वेदर यू आर एन एक्सप्लोरर और अ फर्स्ट टाइम विजिटर, शेंगन वीजा आपके लिए ज्यादातर यूरोप में बिना रुकावट ट्रैवल करने का टिकट है। द शेंगन वीजा इज योर टिकट टू ट्रैवल अक्रॉस मोस्ट ऑफ यूरोप विदाउट इंटरप्शंस। सोचो आप पेरिस में उतरे, इमेजिन लैंडिंग इन पेरिस। आईफिल टावर के नीचे बैठकर क्रोसां खा रहे हैं, सिटिंग अंडर द आईफिल टावर एंजॉयिंग अ क्रोसां, और फिर ट्रेन में बैठकर एम्स्टरडैम के कैनाल्स देखने निकल गए, एंड देन हॉपिंग ऑन अ ट्रेन टू सी द कैनाल्स ऑफ एम्स्टरडैम, वो भी बिना बॉर्डर क्रॉसिंग्स की चिंता किए, ऑल विदाउट वरीइंग अबाउट बॉर्डर क्रॉसिंग्स। यही शेंगन वीजा की ब्यूटी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द शेंगन वीजा। फेस्टिवल्स, इवेंट्स और लोकल ट्रेडिशंस का मजा लें। एंजॉय फेस्टिवल्स, इवेंट्स एंड लोकल ट्रेडिशंस। हिस्टोरिकल साइट्स और म्यूजियम्स एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर हिस्टोरिकल साइट्स एंड म्यूजियम्स, और अलग अलग कंट्रीज में यूरोपियन क्विजीन का स्वाद लें। एंड सेवर यूरोपियन क्विजीन इन डिफरेंट कंट्रीज। अपने एक्सपीरियंसेस को सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑन सोशल मीडिया, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ यादें बनाएं। एंड क्रिएट मेमोरीज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। शेंगन वीजा के साथ यूरोप का हर कोना आपका इंतजार कर रहा है। विद द शेंगन वीजा, एवरी कॉर्नर ऑफ यूरोप अवेट्स यू। शेंगन एरिया को समझते हैं, बिना बॉर्डर वाला संसार। अनवेलिंग द शेंगन एरिया, ए वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। Imagine a place where borders are just lines on a map, not barriers to your journey. Schengen area 27 European countries ka ek club ki tarah hai. Ye countries ek dusre ke saath milkar ek aisa kshetra banate hain jahan aap bina kisi rukawat ke ghoom sakte hain. Inhone aapas mein border controls hatane ka faisla kiya hai. Iska matlab hai ki aapko har baar ek naye desh mein pravesh karne ke liye apne passport ko dikhane ki zarurat nahi hai. Iska matlab आप एक शेंगेन कंट्री से दूसरे शेंगेन कंट्री में उतनी ही आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं जितनी आसानी से आप यूएस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं। इमेजिन हॉपिंग ऑन अ ट्रेन इन फ्रांस एंड गेटिंग ऑफ इन जर्मनी विदाउट एनी हैसल। ये अग्रीमेंट यूरोप में ट्रैवल करना बहुत कन्वीनियंट बना देता है। आप बिना किसी परेशानी के विभिन्न देशों की संस्कृति, खान पान और इतिहास का आनंद ले सकते हैं। शेंगेन अग्रीमेंट 1985 में लक्समबर्ग के एक छोटे से विलेज शेंगेन में साइन हुआ था, इसीलिए इसका नाम शेंगेन पड़ा। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने यूरोप में यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस अग्रीमेंट से पहले यूरोप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट्स चेक्स और वीजा एप्लीकेशंस में बहुत समय लगता था। लंबी कतारें और जटिल प्रक्रियाएं यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या थीं। शेंगेन एरिया ने ट्रैवल में क्रांति ला दी है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया है एंड कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाया है। अब लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाकर नई संस्कृतियों को जान सकते हैं और अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। यह न केवल यात्रा को आसान बनाता है बल्कि यूरोप को एकजुट भी करता है। शेंगेन मैप 27 देश, अनगिनत एडवेंचर्स। द शेंगेन मैप 27 कंट्रीज, एंडलेस एडवेंचर्स। शेंगेन एरिया में ज्यादातर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप आते हैं। इसमें फेमस डेस्टिनेशंस जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ग्रीस शामिल हैं। लेकिन शेंगेन एरिया में कुछ कम फेमस जगहें भी हैं, जैसे एस्टोनिया, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया। स्पेन और ग्रीस के सनी बीचेस से लेकर स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के स्नो कैप्ड आल्प्स तक शेंगेन एरिया हर तरह के लैंडस्केप्स और एक्सपीरियंसेस देता है। आप रोम में एंशिएंट रुइंस देख सकते हैं, पेरिस में लूव्र के आर्ट का मजा ले सकते हैं, या एम्स्टरडैम के कैनल्स में क्रूज कर सकते हैं, वो भी एक ही वीजा से। शेंगेन बेनिफिट्स, यूरोपियन एक्सप्लोरेशन के लिए आपका टिकट। शेंगेन बेनिफिट्स, योर टिकट टू यूरोपियन एक्सप्लोरेशन। शेंगेन वीजा से ट्रैवलर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं।
सबसे बड़ा एडवांटेज है इससे मिलने वाली मूवमेंट की फ्रीडम। एक बार आपके पास शेंगेन वीजा आ गया तो आप 27 मेंबर कंट्रीज में से कहीं भी बिना किसी एक्स्ट्रा वीजा एप्लीकेशंस या बॉर्डर चेक्स के ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब आप इजीली एक मल्टी कंट्री यूरोपियन एडवेंचर प्लान कर सकते हैं। आप अपना जर्नी पेरिस से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हाई स्पीड ट्रेन से एम्स्टर्डम जा सकते हैं और अपनी ट्रिप को बार्सिलोना के बीचेस पर रिलैक्स करते हुए एंड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बॉर्डर फॉर्मेलिटीज की चिंता किए। सेक्शन 5, 9180th रूल। अपने शेंगेन वीजा का पूरा फायदा उठाए। द 9180th रूल मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर शेंगेन वीजा। वैसे तो शेंगेन वीजा बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस को समझना भी जरूरी है। शेंगेन वीजा आपको यूरोप के 26 कंट्रीज में ट्रैवल करने की अनुमति देता है, लेकिन इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 9180th रूल। यह रूल आपके स्टे को रेगुलेट करता है ताकि आप लीगल तरीके से ट्रैवल कर सकें। इस रूल का मतलब है कि आप किसी भी 180 डे पीरियड में शेंगेन एरिया में मैक्सिमम 90 डेज तक ही रह सकते हैं। यह रूल इंश्योर करता है कि आप शॉर्ट टर्म विजिटर के तौर पर ही रहें। अपने ट्रिप को अकॉर्डिंगली प्लान करना और अपने स्टे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने ट्रैवल डेट्स को ट्रैक करें और इंश्योर करें कि आप 90 डेज लिमिट क्रॉस ना करें। वीजा की पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर आप रुके रहे तो आपको पेनल्टीज और फ्यूचर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ओवरस्टे करने पर आपको फाइंस, डिपोर्टेशन और फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम्स हो सकती है। हालांकि इस टाइम फ्रेम में आपके पास अपनी स्पीड से मल्टीपल शेंगेन कंट्रीज एक्सप्लोर करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं बिना अलग अलग वीजाज के झंझट के। शेंगेन वीजा आपको लोकल कल्चर, क्विजीन और फेस्टिवल्स को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। अपने ट्रिप को अच्छे से प्लान करें और हर मोमेंट का आनंद लें। सेक्शन 6, टूरिज्म से परे। शेंगेन वीजा की सीमाओं को समझना, बियॉन्ड टूरिज्म अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ द शेंगेन वीजा। शेंगेन वीजा मेनली एक टूरिस्ट वीजा है। वैसे तो ये सीमलेस ट्रैवल करने देता है, लेकिन इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उदाहरण के लिए, आप शेंगेन वीजा पर वर्क या स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप किसी शेंगेन कंट्री में वर्क या स्टडी करना चाहते हैं तो आपको अलग से वर्क या स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। इसके अलावा, वैसे तो शेंगेन वीजा मल्टीपल एंट्रीज की परमिशन देता है, लेकिन आपको 90 डेज एक्सपायर होने से पहले शेंगेन एरिया छोड़ना होगा, वरना आपका वीजा इनवैलिड हो जाएगा। सेक्शन 7, शेंगेन वीजा वर्सेस नेशनल वीजा। सही ट्रैवल डॉक्यूमेंट चुनना, शेंगेन वीजा वर्सेस नेशनल वीजा, चूजिंग द राइट ट्रैवल डॉक्यूमेंट। शेंगेन वीजा के अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज नेशनल वीजा भी ऑफर करते हैं। ये वीजाज किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए होते हैं और पूरे शेंगेन एरिया में एक्सेस नहीं देते। सही वीजा चूज करना आपके ट्रैवल प्लान्स पर डिपेंड करता है। अगर आप मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज विजिट करना चाहते हैं तो शेंगेन वीजा आपके लिए बेस्ट है। हालांकि अगर आपकी ट्रैवल सिर्फ एक नॉन शेंगेन कंट्री तक लिमिटेड है या आपको वर्क या स्टडी के लिए ज्यादा समय तक रुकना है तो आपको नेशनल वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। सेक्शन 8, जर्नी का आनंद लें, शेंगेन वीजा। आपके यूरोपियन सपनों का दरवाजा, एम्ब्रेस द जर्नी शेंगेन वीजा, योर गेटवे टू यूरोपियन ड्रीम्स। शेंगेन वीजा सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस का पासपोर्ट है। ये आपके लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोलता है और आपको अलग अलग कल्चर्स एक्सप्लोर करने, लजीज क्विजींस टेस्ट करने और यूरोप की ब्यूटी देखने का मौका देता है। तो फिर देर किस बात की, अपने यूरोपियन एडवेंचर को प्लान करें, अपने बैग्स पैक करें और शेंगेन वीजा को वंडर और डिस्कवरी से भरे आपके जर्नी का गाइड बनने दें। आइफल टावर से कोलोसियम तक, एम्स्टर्डम के कैनल से स्विस आल्प्स तक, यूरोप आपका ओपन आर्म्स से इंतजार कर रहा है।